दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि 2023 में अब तक बॉलीवुड के द्वारा जितनी भी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई हैं, उन सभी फिल्मों में से केवल एक ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त ओपनिंग भी मिली है, और वो फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसका नाम है पठान। तो भाई, पठान के बाद भी बॉलीवुड की कुछ फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन भैया वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर बुरी तरह से औंधे मुंह गिर गई हैं। अब भाई, बॉलीवुड की एक और फिल्म कल होली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसमें नजर आने वाले हैं बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर। और रणबीर कपूर के साथ इस फिल्म में उनके अपोजिट जो एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं वो हैं श्रद्धा कपूर। तो दोस्तों, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के इस फिल्म को पहले दिन होली के शुभ अवसर पर कितने का एडवांस बुकिंग मिला, और यह फिल्म पहले दिन कितने का कलेक्शन कर सकती है, ये सारी जानकारियां अब मैं रखूंगा आपके सामने। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने तू झूठी मैं मक्कार के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को रखूं, कि उससे पहले मैं इस फिल्म को लेकर ये बात तो आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई, ये फिल्म पूरे इंडिया में होली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के कई सारे मॉर्निंग के शोज जो हैं वो कई सारे जगहों पर कैंसिल किए गए हैं, क्योंकि भैया मॉर्निंग के शो में भैया कुछ क्षति ना पहुंच जाए सिनेमाघरों में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाई, पहला और दूसरा शो जो है वो लगभग लगभग पूरे इंडिया में ओपन ही नहीं किया गया है, यानी भैया कुछ चुनिंदा जगहों पर इस फिल्म के मॉर्निंग के शो चालू किए गए हैं, लेकिन भैया ओवरऑल पूरे इंडिया में इस फिल्म के मॉर्निंग के शो और उसके बाद में आफ्टरनून के शो जो हैं वो नहीं चालू किए गए। और इसका कारण भैया सेफ्टी रीजन, यानी भाई होली में कोई हुड़दंग ना कर दे सिनेमाघरों में आकर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दो शो लगभग लगभग पूरे इंडिया में इस फिल्म के कैंसिल है, लेकिन भैया इसके बावजूद भी इस फिल्म को पूरे इंडिया से पहले दिन के लिए जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिला, और ये फिल्म पहले दिन जितने का कलेक्शन कर सकती है, उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई ये फिल्म पठान के बाद बॉलीवुड के लिए एक बेहतरीन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साबित होने जा रही है एडवांस बुकिंग और कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को अभी तक तीन प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से पहले दिन के लिए शानदार एडवांस बुकिंग मिल चुका है। यानी कि भैया PVR के माध्यम से इस फिल्म के 24,500 टिकट पहले दिन के लिए बेचे जा चुके हैं। उसके बाद भाई आइनोक्स से इस फिल्म के अब तक 11,750 टिकट जो हैं वो बेचे जा चुके हैं एडवांस बुकिंग के माध्यम से। और उसके बाद भी सिनेपोलिस के माध्यम से इस फिल्म के 7,900 टिकट जो हैं वो पूरे इंडिया से बेचे जा चुके हैं शाम के 3:30 बजे तक। यानी कि ओवरऑल इस फिल्म के पहले दिन के लिए, यानी कि होली के शुभ अवसर पर इस फिल्म के लगभग लगभग 44,150 टिकट जो हैं वो पूरे इंडिया में बेचे जा चुके हैं। और इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि यह फिल्म पहले दिन बहुत ही आसानी से 12 से 14 करोड़ का बिजनेस करती नजर आ रही है। यानी भाई ये फिगर जो है ये ट्रेड फिगर है, लेकिन अगर हम बात करें भैया प्रोड्यूसर फिगर की, तो भैया प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये फिल्म पहले दिन 15 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है भाई, दो शोज को कैंसिल करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन ओपनिंग हम लोग मान सकते हैं भाई तू झूठी मैं मक्कार को लेकर। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अगर इस फिल्म को पहले दिन 200 कैंसिल होने के बावजूद भी अगर 15 से 17 करोड़ का बिजनेस प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से मिलता नजर आ रहा है, तो भैया ये इस फिल्म के लिए अच्छी शुरुआत होने जा रही है कि नहीं बॉक्स ऑफिस पर, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।